और हमारे साथ में कौन जा रहा है कैंपिंग में? भाई रात्रि के समय 11 की साकुम्बर में जब जाते हैं तो वहाँ पे खाने की सुविधा अच्छी नहीं मिल पाती भाई। तो भाई अभी के फाइनली बाल कट रहे हैं जिसका इंतजार था। तो भाई अभी अभी मेरे साथ में मैं तो वेट। आपका नाम? और वाह भाई हम कहीं जा रहे हैं बाहर, कहाँ जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं भाई गंजा नहीं गंजा करवा मैं भाई हम पहाड़ों पर जा रहे हैं आज कैंपिंग कर। और भाई हमारा सामान भी तैयार हो गया, देख लो सामान दिखाओ भाई क्या क्या। ये देख लो भाई साहब खाना बना रहा है, फ्राई दान वगैरह और चीनी के डब्बे डुब्बे सब चीज़ ले लिया और गैस भी ले रहे हैं। और हमारे साथ में कौन जा रहा है कैंपिंग में? सब लोग जा रहे हैं सारे, ठीक है। ये कुछ देर ट्रेवल करने के बाद हम अभी फाइनली पहुँच चुके हैं साकुमरी के आसपास में ढाबा भी, और यहाँ पे अपना थोड़ा खाना वाना खाते हैं उसके बाद फिर आगे का रनवे करते हैं और निकलेंगे भाई बाद में। तो यहाँ पे भाई खाना खाएंगे योगेश भाई के ढाबे पे। तो भाई देखते हैं क्या क्या खाने में हम खाएंगे और क्या लेंगे भाई, आपको बने रहो लोग। भाई रात्रि के समय 11 बजे लगभग भोजन चल रहा है, कढ़ाई बढ़ती है अच्छी, तो एक कढ़ी चावल कुछ लाल इस टाइप की आई है और हमारी प्लेट अभी नहीं आई है। काले को भूख पूरी लग रही लेकिन वो दबा बैठा है। तो भाई यहाँ पे हमने अपना खाना खुना खा लिया है और काफी अच्छा खाना बनाया भाई ने। और ये साकुमरी से पहले ही पड़ जाता है, जस्ट कितना किलोमीटर दूर भाई? साकुमरी से 2 किलोमीटर दूर आप इस ढाबे पे खाना खा सकते हैं और देव वैष्णो ढाबा लिखा भाई पीछे। तो भाई ये इस तरीके से ढाबा मिल जाता है आराम से, रोड से ही बिल्कुल हट के ही देव वैष्णो ढाबा। और भाई ने सेव भाजी खिलाई बहुत बड़ी मस्त। मेरा खाने का मोटिव यही था यहाँ पे कि साकुम्बर में जब जाते हैं तो वहाँ पे खाने की सुविधा अच्छी नहीं मिल पाती भाई, तो मेरा मोटिव था कि मैं पहले कोई रेस्टोरेंट या ढाबे पे खाना खा लूँ। तो भाई ये मोहित भाईयार का ढाबा था, बहुत अच्छा खाना बनाया, बढ़िया लगा है। तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तब भी आप साकुम्बर से तो अच्छा खाना मिलता है और कम ही रेट पे दे देते हैं भाई। तो भाई ये पूरे 24 घंटे चलता है आपका ढाबा? 24 घंटे चलता है, अच्छा। तो एड्रेस क्या रहता है एक बार साकुम्बर से? पहले 2 किलोमीटर दूर पहले, और ये पहले ही आपका ही ढाबा रहता है? चलो बढ़िया। तो भाई ताज़ा ताज़ा खाना बना के खिलाया भाई ने, ऐसा भी नहीं कि बुरा। तो 24 घंटे रहते हैं भाई। तो भाई अभी हमने जगह देख लिए रेस्ट करने के लिए और पूरी फैमिली पीछे ही रेस्ट पे, ये पे स्टे करेंगे और सुबह ही प्रसाद चढ़ेगा चाय के साथ में, और कुछ तो नहीं लाना। चल अभी हम फाइनली चाय पियेंगे और चाय ले रहे हैं भाई यहाँ से, उसके बाद चाय लेने के बाद आगे भी दिखाएंगे यार आपको। तो भाई फाइनली सुबह के लगभग 7 तो बजी गए होंगे, तो अभी सब फैमिली उठ गई है हमारी और अभी चलते हैं हम सबसे पहले मंदिर पे बुरादेव जाते हैं भाई, उसके बाद प्रसाद चढ़ा के सीधा फिर ऊपर जाएंगे माता के दरबार में। तो सबसे पहले मैं निकलना बुरादेव की साइड जो है उस साइड, तो भाई यहीं से ही प्रसाद लिया और भाई बहुत अच्छे हैं दिल के, वो यहीं पर ही रुके थे, इनके यहाँ पे इनकी शॉप है। तो भाई कहाँ से आप, कहाँ से आप? मुशैल नवद्दा। तो भाई मुशैल नवद्दा से है भाई और यहीं पे दुकान लगाते हैं सर, तो यहाँ पे रुक सकते हैं, बहुत अच्छी एलपी की है, बढ़िया है। तो भाई चलते हैं भी आगे दिखाते हैं यार। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ बुरादेव के मंदिर पर और अभी वहाँ पे चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं और उस साइड में लगा है मंदिर, तो भाई भी लेके चलता हूँ वहाँ पे आपको ना। तो भाई अभी के फाइनली बाल कट रहे हैं जिसका इंतजार था, इसी के लिए आए थे भाई हम लोग ना, तो भी फर्स्ट बार गंजा हो रहा है भाई। अभी अभी आओ
बाल बढ़िया काटते भाई, छोड़ी ना, टाइम ले ले पूरा, कोई बात नहीं, आराम से आराम से आराम से। तो भाई फाइनली अभी गंजा हो गया है, ये देख लो। हेलो अभी तो भाई ये जो बाल है ये प्रसाद में ऊपर चढ़ेंगे भाई माता के यहाँ। हाँ गंजा हो गया भाई, कोई पन्नी वगैरह देख लो, लिफाफा ले और नीचे पड़ी बाल में बिठा लो। ये बाल कटाए भैया, कहाँ से हो आप? बागपत से। तो आप यहाँ पे बाल काटने काम करते हैं? अच्छा, बाल काटने। क्या नाम है आपका? अमरपाल जी। अगर आपको कोई पहले ही बुक करना चाहे आने से पहले, तो मोबाइल नंबर बता दे जिससे कि आपको कॉल कर दे। लगता है फोन आपका यहाँ पे? मोबाइल तो यहाँ नहीं लगते। लगता नहीं तो आप कहाँ भी लगे किसी को, अगर कोई वीडियो देखे। यहाँ पे कहाँ मिलोगे? मंदिर पे ही मिलेंगे भाई। तो भाई इनके पास फोन की सुविधा नहीं है, तो इसे पहचान सकते हैं भाई और बाल भी कटा सकते हैं भाई। तो भी भाई फाइनली भूरादेव का प्रसाद चढ़ गया और उसके बाद आ रहे हैं दूसरा जो भी मनसा देवी का मंदिर है शायद, यहाँ पे प्रसाद चढ़ना है भाई। आज अभी लाइन में लग लगे। तो भाई अभी अभी मेरे साथ में, मैं तो वेटिंग में हूँ और घर वाले प्रसाद उधर चढ़ा रहे हैं। तो अभी मेरे साथ में शीतल है, शीतल सामने आओ। ये शीतल है भाई और ये है संजना। तो भाई बड़ी प्यारी खूबसूरत बच्चियाँ हैं, देख लो। हाँ शीतल इधर देखो, शीतल। तो भाई सुंदरता और खूबसूरती और भावुकता हर कहीं भी मिल जाती है, जो प्यारे से छोटे छोटे बच्चों में देख लो भाई। तो अभी शर्मा रही एक रील बनाएगी शीतल। भाई मेले में सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है, जो पसंद आए, तो ये पूरी टीम लगी है। और तो भी इसी टीम का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा मैं अपने ब्लॉग में। आपका नाम? अरे वाह, इंग्लिश भी बोलती है अच्छी यार। आपका नाम? हेलो आपका नाम? माय नेम इज, नाइस नेम। हेलो शीतल, शीतल इसका नाम? मम्मी बबली। अरे उसने तो मुझे शीतल बताया था। झूठ, अरे यार झूठ बोल के क्या जाता है भाई। और भाई मैं बता देता हूँ, पूरी टीम में सबसे 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 नाम बताओ। माय नेम इज राधिका। माय, उसका नाम राधिका है। और सब लोग मथुरा से हो? मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन में हो सब लोग। और ये आप भी इनके साथ हो? हाँ, मैं जेगमार। जाटो हो तुम? और तुम पता नहीं, जात नहीं बता, पता है जेगमार जाटो। तो भाई ये मेकअप इसने, नितिन ने, नितिन तुमने मेकअप किया? और भाई ये जाटो भाई, जाटो है भाई, जाटो है। अरे वाह, सब लोग जाटो है भाई। तो भाई ये मस्तियाँ कर रहे हैं और अपना मेकअप तैयारी कर रहे हैं। भाई अब इस खूबसूरत सी जगह को अलविदा कह के और अब घर निकलेंगे भाई, सीधा घर मिलेंगे आपको।